नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों, एनालॉग HD में 4K कैमरा लॉन्च हुआ था, आपको पता ही है, बट बहुत कम लोगों ने इसे यूज़ किया क्योंकि ये एक तो ये कॉस्टली काफ़ी थे और उस प्राइस रेंज में यह आपको IP की ओर इशारा करता था। यानी कि अगर उतने पैसे हम 8MP पे लगाएं एनालॉग HD में तो बेहतर है कि हम IP में चले जाएं, बेहतरीन है हमारे लिए। तो IP में काफ़ी लोग जा रहे थे, इसका सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। और आपको अब जानकर खुशी होगी कि 8MP में एक नए वेरिएंट की शुरुआत हुई है। हिकविजन ने एक नए वेरिएंट को लॉन्च किया है जो कि सस्ता भी है, किफ़ायती भी, और आपको पसंद भी आएगा। जी हाँ, आज मैं उसी के बारे में आप सभी से बातें करने वाला हूँ और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। जी हाँ, हिकविजन ने एनालॉग HD में 8MP यानी कि न्यू 4K कैमरे को लॉन्च किया है और यह बिल्कुल ट्रेडिशनली जिस तरीके को फॉलो कर रही है हिकविजन ने, बिल्कुल उसी तरीके को फॉलो किया। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। देखिए, हिकविजन क्या करती थी, सबसे पहले आपको आई सीरीज लॉन्च करती थी, जैसे कि आपका 2MP में DIT सीरीज होता था या D1T सीरीज आप बोले, ये फिर बाद में जो है चेंज होकर ये हो जाता था D0T, फिर आपका HIT आया, उसमें भी आपको H0T बाद में लॉन्च हुआ सस्ते प्राइस में। यही चीज़ें आपकी 8MP यानी 4K में भी हुई। UIT या U1T आप कह लीजिए, ये लॉन्च हुआ था पहले और अब इसमें लॉन्च हुआ है U0T सीरीज जो कि सस्ता भी है और आपको पसंद भी आएगा। पहले देख लेते हैं कि मॉडल नंबर क्या है। DS-2CE76 आपका डोम का है, U0T-ITPF। पी तो प्लास्टिक बॉडी, यहाँ पर M होगा तो आपका मेटल बॉडी हो जाएगा। इसी में आपका बुलेट है DS-2CE16U0T-ITPF। अब ये जो लॉन्च हुआ ये 8.29 मेगापिक्सल के नाम से, यानी कि आपको थोड़ा सा दूसरे ब्रांड से इंस्पायरिंग आप कह लीजिए कि कंपनी हुई है। कैसे हुई है, क्योंकि 1.3 मेगापिक्सल या 2.4 मेगापिक्सल ऐसा कुछ हिकविजन में नहीं होता, बट यहाँ पर क्या हुआ 8.29 मेगापिक्सल यानी कि 8.3 मेगापिक्सल आप कह लीजिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। रेजोल्यूशन 3840x2160 का रेजोल्यूशन है। इसके साथ साथ यह स्मार्ट IRS में, स्मार्ट IR 30 मीटर्स तक आपको क्लियर दिखाई पड़ेंगे यानी नाइट विजन। स्विचेबल है TVI, CVI, HD और CVBS के लिए, आपका अदर ब्रांड के भी DVR पे यह सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो स्मार्ट फीचर्स हैं पहले वो देख लेते हैं। DWDR है, BLC है, HLCR, इसके अलावा आपको 2D DNR, याद रखिएगा 2D DNR है। वेट की मैं बात करूं तो वेट इसका 150 ग्राम है और पावर कंजप्शन 2.2 वाट का है। अब एक सवाल और होगा कि क्या डिफरेंस है आपके पुराने में, तो पहला प्राइस का डिफरेंस है, क्वालिटी क्लियरिटी में बहुत अंतर होता है। मैं अगर डिफरेंस को अगर मैं क्लियर कर पाऊँ तो आपको बताना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, यह आंखों देखा ही पॉसिबल हो पाएगा। जी हाँ, अगर आपने बगल में UIT लगाया, U1T लगाया और उसके बाद U0T लगाया तो वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी, अदरवाइज मुश्किल है। एक डिफरेंस नज़र आया है जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 180 ग्राम का U1T वाला कैमरा था, यानी पहले वाला कैमरा था आपका 8MP का जो अभी मिल रहे हैं, बट वो आपको नया अब U0T मिलेगा। तो एक तो आपको उसका वजन 180 ग्राम्स था, हार्डवेयर में कुछ कमियां की गई हैं, इसके अलावा आपका कट फिल्टर यानी इंफ्रारेड कट फिल्टर का इशू है। इंफ्रारेड कट फिल्टर जो है आपको नहीं दिया गया U0T में, दिया गया मेंशन तो किया गया बट बोल्डली उसे नहीं किया गया है। और इसका जो काम होता है यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं कभी डिटेल से इसका वीडियो में बनाऊंगा, बट इन शॉर्ट में आपको कह देता हूँ इंफ्रारेड कट फिल्टर का काम क्या है। जो ओवर लाइट आती है यानी कि कैमरे में जो कि अलग अलग तरह की लाइट आती है, सनलाइट आ गया या ओवर लाइट आ गया, तो लाइट का जो मैनेजमेंट होता है कि लेंस तक कौन से लाइट को जाने देना चाहिए, किस लाइट को अवॉइड करना चाहिए, हटा देना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए, वह काम आपका इंफ्रारेड कट फिल्टर करता है। यानी कि आपको बेस्ट क्लियरिटी आपको जो मिलती है वो इंफ्रारेड कट फिल्टर के द्वारा ही मिलती है, जिस कारण से थोड़े सी क्लियरिटी में इश्यूज़ आपको U1T और U0T में देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल अब आपको U1T
बंद हो जाएंगे धीरे धीरे और U0T उसकी जगह ले लेगा। तो U0T वाले सीरीज़ नए आए हैं मार्केट में एनालॉग SD में। इससे आप M सीरीज़ के DVR HOHI के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, HT HI के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन एक कदम है एक विजन ने, जो हर बार एक विजन लेती थी, फिर से 8MP 4K कैमरे की दुनिया में एक विजन ने लिया है। उम्मीद करता हूँ इस अपडेट से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और इन फ्यूचर आपको इससे काफ़ी फायदे भी होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।